पढ़ना है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटी मेटाबॉलिज्म को पिछली वीडियोस में मैंने आपको काइलोमाइक्रोन की मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ाया है बहुत ज़्यादा सिमिलर है बस थोड़ी सी डिफरेंस है बस मेन डिफरेंस क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए काइलोमाइक्रोन्स वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लो डेंसिटी और एच डी में कितना किस तरह से डिफरेंस है मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था के इनको हम क्लासीफाई करते हैं इनकी साइट ऑफ ऑरिजिन के हिसाब से मतलब जो काइडो माइक्रोन है ओरिजिनेट हुए थे इंटेस्टाइन के अंदर जो वेरी लोड एंडस्टलीपोर प्रोटीन है वो ऑरिजिनेट होते हैं लिपिड के वो लिवर के अंदर लिवर के अंदर ओरिजिनेट होते हैं आपको पता है ट्राइसेल गिस्ट्रोल यानी लिपिड की जो हमारी बॉडी में वो दो तो जगह से आती है वो डाइट से भी आ सकते हैं या फिर वो लिवर से भी आ सकते हैं लिवर में साइट ऑफ सेंथेसिस है लिवर उनकी लिवर से बनते हैं लिवर में फैटी एसिड सेंथेसिस होती है ठीक है अब ट्राइसैल गो मतलब वो ट्राइसल गलेस्ट्रोल की सिंथेसिस होती है अब लिवर में अगर ट्राईसैल गलेस्ट्रोल ज़्यादा बन रहा है ठीक है तो ज़ाहिर सी बात है वो पेरिफेरल टिश्यूज़ में जाएगा ताकि वहाँ पर जाके कंज्यूम हो फैटी एसिड वहाँ पर जाके मेटाबो मेटाबोलाइज़ हो तो इसके लिए ज़ाहिर सी बात है एपो प्रोटीनस के साथ कंबाइन करके लिपो प्रोटीन बना के इसको लिवर से बाहर भेजा जाएगा कैपिलरीज वगैरह में भेजा जाएगा कैपिलरीज में और फिर पेरिफेरल टिश्यूज़ में कंजप्शन के लिए अब इसमें ट्राइसेल ग्लिस्ट्रोल कम्पोनेट जो है वो काइलोमाइक्रोन की नस्बत जो है वो कम होता है ठीक है और इसमें अगर बात की जाए एक एक तो इसकी साइड ऑफ ऑरिजिन डिफरेंट हो गया मतलब वो काइलोमाइक्रोन इंटेस्टाइन में ऑरिजिनेट हुए थे लिवर में हो रहे हैं दूसरा टैग का डिफरेंस है कि मतलब ट्राइसेल ग्लिस्टोल कम्पोनेंट इसमें कम होता है दूसरा एक और बात अगर लिवर में ट्राइसेल ग्लिस्ट्रोल जो है वो ज़्यादा बन रहा है लेकिन वी की जो है वो लिपो जो है वो सही से उनको ले जा नहीं पा रही ठीक है वो ले जा नहीं पा रही लिपो प्रोटीन्स उनको आ, लिवर से बाहर तो जो फैट है एक्स्ट्रा फैट वो लिवर के अंदर कंज्यूम वो एकोमोडेट होने शुरू हो जाएगा लिवर के अंदर और बना और कर देगा हिपेटिस यानी इसमें क्या होगा यानी टैक्स एंड साइज ज़्यादा हो रहा है लेकिन लिपो प्रोटीन की सिक्योशन कम हो रही है जिसकी वजह से वे जा नहीं पा रही फैट को लिवर से दूर पेरिफ्रल डिश्यूज़ में कंजम्पन वगैरह के लिए तो ये हमारे पास एक डिजीज़ हो गई उसके बाद लिवर से रिलीज़ होकर वी एल डी एल रिलीज हुई वेरी लो डेंसिटी प्रोटीन बनी है यानी वेरी लो का मतलब फैनोमेक्रोन से ज़्यादा डेंसिटी होती है इस बताया इनकी लेकिन एच टी एल वगैरह से कम होती है अब वेरी लो डेंसिटी प्रोटीन ब्लड के अंदर जाकर सीक्रेट होंगी और बिल्कुल नेसन पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एपो बी हंड्रेड प्रोटीन होती है जो इनकी यूनिकनेस होती है यानी ये वाली प्रोटीन होती है वेरी लो डेंसिटी के साथ सिर्फ और सिर्फ अब जैसी बाहर आए तो इनके साथ हाई डेंसिटी प्रोटीन की तरफ से कुछ दो एपो प्रोटीन और आ गई एपो सी टू और एपो ई एपोसीटो और एपो ई आके अटैच हो गई एच डी एल के साथ जो कि मेन ट्रांसपोर्टर होता है एपोलि प्रोटीन्स का इनको दे देता है अब हमारे पास एच डी एल के आगे इनके पास तीन तरह की प्रोटीन्स होंगी एपो बी हंड्रेड हो गया एपो ई होगी एपोसीटू हो गया इनके अंदर टैक कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा है अभी भी ज़्यादा लेकिन काइलोमाइक्रोन से कम होता है ठीक है अब इन्होंने जाना में कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा गया लाइपो प्रोटीन लाइपे जो ग्लोडिगे करवा देगा फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिस्ट्रोल में ग्लिस्ट्रोल लिवर में जाएगा पिछली वीडियो में भी बताया था किस तरह से ठीक है और टिश्यूज मेडिपोज टिशू में फ्री फैटी एसिड एसड जाकेम्लीट हो जाएगा ट्राई सेलग्रिस्टॉल की फॉर्म में या फिर जब भी जरूरत होगी बॉडी को तो फैटी एसिड जो है वहाँ से रिलीज होगा बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेगा मेटाबोलाइज हो गए उसके बाद जो एपोसी टू और एपो ई -E का काम खत्म हो गया एपोसी टू ने करवाना था लिपोपोटी लाइपेज को अटैच करवाना था फैटी लिपरपोटी लाइपेज को एक्टिवेट करवाना लेकिन और ऐपो ई का काम ये होता है कि एपो ई या तो हमारे पास जो लिपो प्रोटीन के उनको डायरेक्ट जाके लिपिड के ये जो रिसेप्टर है इसके साथ जाके अटैच कर देता है या फिर ये वापस एच डी एल के पास चला जाता है ठीक है एक और बात जब हमारे लिपो प्रोटीन लाइप ट्र, ट्र, ट्राईसेल ग्लिस्ट्रोलो ट्राईसेल को डिग्रेड कर देता है फ्री फैटी एसडो लिवर में तो जो बचा बच जाता है पीछे डेंसिटी उसकी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन बन जाती है इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन बन जाती है फिर इंटरमीडिएट से वो बन जाती है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ठीक है तो ये हमारे पास थोड़ा सा कन्वर्जन होती रहती है कि पहले इंटरमीडिएट बनी फिर लो डेंसिलीपर प्रोटीन बन गई ट्राइसिलेट्रॉल कंपोनेंट जो है वो डिग्रेड हो चुका हुआ है लिपर प्रोटीन आए की मदद से अब इसमें आप देख सकते हैं लो डेंसिल प्रोटीन के अंदर कोलेस्ट्रॉल कोलेट्रॉल कंपोनेंट ज्यादा है ट्राइसाइलिस कंपोनेंट कम है क्योंकि वो डिग्रेड हो चुका है अब इसके अंदर सिर्फ सिर्फ एक प्रोटीन रह गई है वो बी हंड्रेड जो इसकी यूनिकनेस है अब इसने जाकर रिसेप्टर पर अटैच हो जाना है लिवर पर प्रेजेंट होगा इसके लिए वहाँ पर रिसेप्टर लेवर पर जाकर इसने वहाँ पर चले जाना है ठीक है या फिर जाएगी एक्स्ट्रा एक्स्ट्राइपेटिक टिश्यू में एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू में लो डेंसिटी लिपर प्रोटीन कैसे जाएगी उसकी क्या 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 होगी ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म में जो रह गई है वो ये है कि काइलो की तरह बिल्कुल एपोजी टू भी चाहिए थी बताया मैंने लिपो प्रोटीन ऐपेस के एक्टिवेशन के लिए लेकिन बाजू का क्या होता है कि आ, हमारे पास एक आ, माइक्रोसोम ट्राइग्लेसाइड प्रोटीन होती है ट्रांसफर प्रोटीन जो कि एपो बी हंड्रेड को लिपिड के साथ कंबाइन करवाएगी लिवर के अंदर लेकिन अगर ये नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी लिपो प्रोटीन हो जाएगा अभी का मतलब और इसको हाइपो लिपो, लिपो प्रोटीन में अभी कहते हैं क्यों क्योंकि जाहिर सी बात है लिपो प्रोटीन बन ही नहीं पाएगी जब लिपिड और आ, एपो प्रोटीन कम्पोनेंट आप उसमें कंबाइन नहीं हो पाएगा तो लिपो प्रोटीन ही नहीं बन पाएगी तो लिपो प्रोटीन ब्लड के अंदर कम हो जाएगी और ट्राइसलिस्ट्रोल कंपोनेंट जो लिपिड कंपोनेंट है वो लिवर से मूव नहीं कर पाएगा तो जिसकी वजह से लिवर में कम्पलीट हो जाएगा और वही नॉन अल्कोहलिक अल्कोहलिकपैटिक स्टेटोसिस हो जाएगी ठीक है तो ये इम्पॉटेंट बात है दूसरा एक और बात थी यहाँ पे एपो ई के मुख्तु हमारे पास आइसोफॉर्म्स होते हैं ई टू होता है ई थ्री होता है ई फोर होता है सबसे कम एपो ई टू होता है सबसे आ... मतलब ऐसा मोनिट होता है जो रिसेप्ट के साथ बहुत कंबाइंड करता है ठीक है अब जो एपो ई टू क्योंकि रिसेप्टर के साथ पोली बाइंड करता है तो अगर यहाँ पर जो एपो ई e है ना प्रेजेंट अगर एपो ई टू वाला है एपो अगर एपो ई टू वाला है और जहासी बात है रिसेप्टर के साथ पोली बाइंड करता है तो ये लेवर में जाकर तो पोली बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ जब पोली बाइंड करेगा तो लेवर के अंदर जा नहीं पाएगा जिसकी वजह से क्या होगी क्लियरेंस नहीं हो पाएगी काइनोमाइक्रोन के रेमिडेंट्स की या इंटरमीडिएट एंस्ट लिपो प्रोटीन के रेमिडेंट्स की ब्लड से क्लियरेंस ही नहीं हो पाएगी जिसकी वजह से वो ब्लड में ही रह जाएंगे उनका लेवल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा हाइपोलिपोप्रोटीन में हो जाएगी देखें आइडियल के पास तो देखें यहाँ पे इंटरमीडिएट डेंसिटी प्रोटीन के पास तो एपो ई और एपो सी टू दोनों प्रेजेंट है ना लो डेंसिटी प्रोटीन के पास है वैसे एपो बी हंड्रेड है तो इंटरमीडिएट के पास क्योंकि एपो ई प्रेजेंट है तो ऐपो ई जो है इसको जाके यहाँ पे बाइंड करवा सकता है लिवर के अंदर जाके लेवर के अंदर जाके बाइंड हो जाएंगे दोनों लेवर के अंदर चले जाएंगे रिसेप्टर से होगी बाइंड हो जाएंगे लेवर के अंदर चले जाएंगे लेकिन अगर ये एपो ई टू होगा ह्योजाइगस होगी बॉडी में एपो ई टू बन जाएगा प्रेजेंट होगा इसके ऊपर तो जाहिर सी बात है वो रिसेप्टर से पॉली बाइंड करेगा और बॉडी से जो है इंटरमीडिएट एंडलीपोर प्रोटीन वो काइलोमाइक्रोन के रेमिनेंट क्लियर नहीं हो पाएंगे क्योंकि काइलोमाइक्रोन के ऊपर भी एपो ई प्रेजेंट होती है और एपो ई ही उसको लेवर में लेके जाती है और इंटरमीडियट लिपोप्रोटीन को भी एपो ई लेकर जाती है लेवर के अंदर तो बाकी सारा हो गया पढ़ा दिया मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह लो एंडलीपो लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे